What's good on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video. And guys, आज हम लोग खेल रहे हैं Roblox के अंदर बहुत दिनों के बाद Natural Disaster Mode. और तो भाई यार अपन लोग फिर से स्कूल में आ गए भाई. अरे वही तो दोस्त. और आज guys फिर से बहुत सारे natural disasters आएंगे. और अपन लोग नई नई techniques लगाएंगे उनसे बचने के लिए. और तो भाई एक बात बताओ, इतना अंधेरा क्यों है? अभी इतना खाली क्यों है भाई ये स्कूल? अरे दोस्त अभी अपन लोग ही आए भाई, अभी धीरे धीरे आएंगे और लड़के आएंगे भाई. लेकिन देखो अभी बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे भाई कौन सा डिजास्टर आएगा ये प्रेडिक्ट करना है गाइस. और सबको एक काम करो भाई, सामने बैठ जाओ मेरे. तो भाई नहीं बैठेगा भाई, यहाँ पे रात नौटंकी करने के लिए आए नहीं अपन लोग भाई. पढ़ाई लिखाई बाद में होगी, अभी यार डिजास्टर तो बचना है भाई. अरे डिजास्टर नहीं होता है मेरे दोस्त, खैर हटाओ, किसको सिखा रहा हूँ मैं. ओ सुनामी भाई, देख देख चौप देख भाई, खिड़की के बाहर दिखाई दे रहा है, दिखा तेरे को? तो भाई दिख रहा है भाई, यार इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी आंखें हैं भाई. ऑल राइट, तो तेरे को भी दिखाई दे रहा है ना भाई, उसके हाइट से ऊपर जाना है. और सच बताओ तो एक बहुत ही घटिया मैप दिया इन लोगों ने, क्योंकि एक स्कूल के अंदर गाइज आप लोग एक स्पेसिफिक हाइट तक ही जा सकते हो. और वो भाई देखो कितना बड़ा सुनामी है भाई. तो भाई अंदर आ जाओ, क्या कर रहा हो बाहर, मरने का बने क्या? अरे देखने गया था भाई, एक सेकंड, आ रहा हूँ आ रहा हूँ. अरे भाई सुनामी बहुत तेजी से आ रही है गाइज. ओके ओके मैं पहुंच गया ऊपर. अरे अभी इतना ऊपर काफी है क्या? आई थिंक मेरे को और ऊपर चढ़ जाना चाहिए. चौप इधर चढ़ जाते हैं. तो भाई यार ये सुनामी अपना नहीं कुछ बिगाड़ पाएगी, टेंशन मत लो, अपन लोग बहुत हाइट पे खड़े हैं भाई. अरे लेकिन फिर भी भाई सेफ्टी के लिए आ जा ऊपर. कहाँ चला गया ये? ओ सुनामी आ गई. गाइस 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 पूरा नीचे का फ्लोर बर्बाद हो गया. वाह. अरे 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 स्कूल गिर गया मेरे ऊपर भाई, ये क्या हो गया यार? अरे मेरे को कोई बचाओ भाई, मेरा दम घुट जाएगा चौप. तो भाई कहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हो भाई? अबे सही में पूरी बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर गई है यार. ये देखो मेरे को चौप दिखाई दे रहा है. अबे नूबड़े पीछे आ जा, कहाँ खड़ा है भाई? तो भाई सिर्फ दीवार है इधर, आप कोई दिखाई नहीं दे रहे हो. तो भाई कैसे उठाओ, मेरे पास इतना पावर नहीं है, पूरा बिल्डिंग उठा दूं. अरे मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, लेकिन प्लीज तू कुछ बोलता रह रही तो मैं यार क्रश हो जाऊंगा इस बिल्डिंग के अंदर. तो भाई आप एक नंबर का नूब आदमी हो भाई, आपको फंसना ही नहीं चाहिए था बिल्डिंग के नीचे. अबे बेइज्जती मारने के लिए नहीं बोला है यार, वो बोला जाता है ना कि जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसको कुछ कुछ बोल करके सोने नहीं दिया जाता है भाई. तू किसी काम का नहीं, रहने दे भाई, मैं खुद ही निकल जाऊंगा यहाँ से. तो भाई पहले बताओ तू फंसो कहाँ पे हो भाई? अरे यार हो गया भाई, अपन दोनों ही सर्वाइव किए. मैं तो पता नहीं सर्वाइव किया भी कि नहीं किया गाइस, अपन लोग तो एक तरह से फंसे हुए थे. बचाओ दल आएगा तो हमें रेस्क्यू करके ले जाएगा. तो भाई मेरे को नहीं लगता बचाओ दल आपको बचा भी पाएगा भाई, आप तो पूरी बिल्डिंग के नीचे पिस गए थे भाई, अब बचे हुए कैसे हो? तो भाई अरे क्या बोलूं भाई, यही तो फायदा होता है जब आपके पास फौलाद का शरीर हो. ये क्या बलून भाई, बलून वलून दे रहा है भाई 80 रोबक्स में. सही है यार, वैसे तो गाइस मेरा उतना मूड नहीं है रोबक्स खर्चा करने का, बट लेट्स सी. ओ ये क्या है, हाइट स्कूल. अरे फिर से तुमने हाइट स्कूल दे दिया भाई, गजब लड़के हो यार. चलो गाइस तो अब जो है हम लोगों को यहाँ पे जाना है अंदर स्कूल के. एंड कहाँ पे जाए इस बार, इस बार कौन सा डिजास्टर आ सकता है? आई थिंक सुनामी तो नहीं देंगे गाइस, तुरंत इन लोगों ने सुनामी दिया था. सो आई एम गेसिंग कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें अपने को हो सकता है बाहर रहना हो. मे बी एसिड रेन दे सकते यार, मेरे को याद है पिछले बार एसिड रेन ने बहुत परेशान किया था भाई. वो रेन इतनी पावरफुल होती है सीमेंट पिघला देती है इंसान, तो यार दूर की चीज है भाई उसके लिए. तो भाई यार पास की चीज है इसलिए तो इंसान भी पिघला देती है, इसलिए तो अपन लोग छुपते हैं भाई सीमेंट के नीचे. अरे ठीक है भाई मेरे को बाहर जाके मुआयना लेने दो, पहले तो एक हाई प्लेस ढूंढते हैं यार, क्योंकि मेरे को इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने का बहुत ज्यादा मन था. ओ ये देखो, अगर अपन लोग सिर्फ ऊपर चढ़ जाते ना गाइस तो सुनामी से बच जाते, बट जो फॉल डैमेज है उससे हमारी हड्डियां टूट जाती. ओए टोर्नाडो स्टेक क्लियर ऑफ इट्स पाथ. तो भाई कहां ऊपर चढ़ रहे हो, टोर्नाडो यहीं पे पैदा हो गया भाई. अरे हां सामने में ही है, छिट छिट निकलो निकलो निकलो. ओ भाई मेरा हेल्थ बहुत कम हो गया है गाइस, बट वी कैन स्टिल मेक दिस भाई. भागो चौप, पीछे मुड़ के मत देखना. ओ भाई सुनामी इतनी बड़ी, आई मीन सॉरी टोर्नाडो इतना बड़ा है भाई, आसमान में छेद कर दिया ये देखो. ओए हट जा भाई, सामने से हट जा, अपुन आ रहा है. तो भाई मैं यार हटा हुआ तो और कितना हटाओगे भाई. अरे ठीक है ये देख इधर ही आएगा, ये देख रहे हो पूरा आधा स्कूल तबाह कर दिया भाई उसने. और जिस तरह से गाइस इसकी स्पीड है ना, मेरे को लगता है कोई भी चीज को रोक नहीं पाएगी यार अपने रास्ते में, आई थिंक पूरी बिल्डिंग चबा के चला जाएगा ये. तो भाई ज्यादा लोग नहीं बचे है भाई, बहुत सारे लोग थे स्टार्टिंग में, लेकिन अब सिर्फ अपन तीनों ही बच्चे लगता है. अरे हाँ यार अपन लोग के फ्रेंड्स चले गए भाई, सोचो ना जिनके जस्ट पैर के नीचे से यार ये आया है टोर्नाडो, उनको तो पता भी नहीं चलोगा. थैंक गॉड अपन लोग बाहर आ गए गाइस. तो भाई आप जहाँ पे खड़े तो वही पे जा रहे हैं. अरे वो छोड़, मैं जहाँ खड़ा था नहीं खड़ा था भाई, ये देख अपने रास्ते में क्या कर दिया इसने. ऐसा लग रहा है गाइस किसी ने भाई तलवार चला दी बीच से. स्कूल का सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड बचा हुआ है गाइस. ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक चीजें होती है यार ये टोर्नाडो चौप है ना. तो भाई वो छोड़ो, आप मरने वाले, आपका हेल्थ कितना कम है, एक चमाट मैं लगा दूंगा मर जाओगे भाई. अरे चमाट वमाट नहीं लगाना है भाई दोस्त, इंपॉर्टेंट यार. अरे 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 भाई भाई मेरा बाल खींच लिया यार इन लोगों ने. तो भाई मेरा बाल और मेरा एक पैर खींच लिया भाई इन लोगों ने. अरे पैर कैसे खींच लिया भाई, व्हाट द हेल गाइस, मेरा सिर्फ बाल गया और
उसका पैर भी चला गया। दिखा दिखा कहाँ है तेरा पैर। अरे हाँ सही में उसका पैर नहीं है। ओ भाई एक पैर ले गए इसका। गाइस जस्टिस फॉर चॉप का पैर भाई बहुत बुरा हुआ उसके साथ, जान के बहुत दुख लगा, लेकिन फिर से हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं एक बार और। और मेरे बाल तो आई डोंट थिंक तब तक वापस आएंगे जब तक अपन लोग भाई यहाँ पे एक राउंड ना जीते। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते भाई अगला मैप यहाँ पे डिसाइड हो चुका है, प्रिजन पैनिक। एंड अपन लोग मुजरिम घोषित कर दिए गए हैं। चॉप तो एक ऐसा मुजरिम है जिसकी एक टांग भी नहीं है। तो भाई मेरे को यार कोई जल्दी से वो डंडा ला के दो भाई। अरे डंडा छोड़ भाई, तू कुछ ना कुछ करके जल्दी से शेल्टर ले, क्योंकि मेरे को एक बुरी फीलिंग आ रही है गाइस कि इस बार जो तूफान आएगा वो सबके होश उड़ाने वाला है। आई हैव अ वेरी बैड फीलिंग अबाउट दिस गाइस। मेरा जो गट इंट्यूशन है वो बोल रहा है कि हम लोगों को अंदर में छुपना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं मुआयना लेने के लिए यू नो सिचुएशन का थोड़ा सा हालात का अंदाजा लगाने के लिए अपन लोग जा रहे हैं यहाँ पे टेरेस पे टू फाइंड आउट कि हाउ इज इट गोइंग। एंड मेरे बाल तो अभी भी नहीं है एज यू कैन सी, लेकिन कोई बात नहीं। अरे भाई 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 ये क्या हो गया। ओह शिट लुक एट दिस गाइस, हर जगह कोहरा ही कोहरा है। लगता है कि भाई बहुत ही बड़ा स्नो ब्लिजर्ड आने वाला है यार। वही हुआ वही हुआ। भागो 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 भाई। ऐसे हालात में गाइस बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है आपके लिए। ऊपर से आप लोग देख सकते हो इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि हमारे बंदे के भाई यहाँ पे कुल्फी जम जाएगी। ओ बच गया। ओ यहाँ पे देखो गाइस मेरे को एक ग्लिच पता चल गया, अगर आप यहाँ पे बैठोगे ना तो आपको ठंड नहीं लगेगी। मतलब मैंने ये सुना था कि भाई अपन लोग कोई कॉम्पैक्ट प्लेस पे छुप जाए तो अपने को ठंड नहीं लगेगी, बट दिस इज लिटिल बिट टू मच यार। मैं बस कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ बट अपने को ठंड नहीं लग रही है। तो भाई कहाँ पे बैठो, कुर्सी पे बताओ यार मेरे, मैं भी आता हूँ भाई। अरे नहीं ब्रो, आई डोंट थिंक तू आ पाएगा यहाँ पे, क्योंकि लाइक ये मेरे को पता ही नहीं कि मैं खुद किस चेंबर में हूँ। मेरे को एक भी बंदा अभी तक नहीं दिखाई दिया है। तो भाई इन जालिमों ने मेरे को जेल के अंदर ठूस दिया, बताओ भाई। अरे जेल के अंदर भाई कोई बेड वगैरह होगा उसके ऊपर लेट जाना मेरे दोस्त। लेकिन ट्रस्ट भी मैं जहाँ पे हूँ यार वहाँ पे, ओ भाई टेबल भी जम गया हमारा। भाई क्या ये अपन लोग क्या हैक्स यूज कर रहे हैं गाइस। लिटरली मैं जिस टेबल पे बैठा हूँ वो टेबल जम गई लेकिन हम लोग नहीं जम रहे। तो भाई ये एक अच्छा ग्लिच है। अगर आप लोग भी यार ऐसे सिचुएशन में फंसते हो तो कोशिश करना इस मोड के अंदर यार कुछ कुछ ऐसा ढूंढे जहाँ पे आप लोग चीजों से घिरे हुए हो। वैसे मेरे को नहीं पता कुर्सी पे बैठने से कैसे अपन लोग बच गए, बट छत हमारे जस्ट ऊपर है गाइस। गाइस यार काफी देर से सर्वाइव कर रहे, खत्म कब हो गई है? वो खत्म हो गया। ऑलराइट फर्स्ट भाव चॉप इज नूप और एक और बंदा यहाँ पे सर्वाइव कर चुका है। एंड वी थ्री आर द विनर्स, लेट्स गो एक और राउंड। गाइस आपके भाई ने जीत लिया। वो मौसम कितना अच्छा हो गया। अरे भाई भाई ये देखो कितनी बर्फ जम गई यार, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा जमा डाला इन लोगों ने, लेकिन हम लोग सेफ हुए। चॉप तू कैसे बच गया यार? तो भाई जिस जेल में छुपा था उसी जेल ने बचा लिया भाई मेरे को। बोला था ना ब्रो बच जाएगा तू। ओ ये क्या है, पार्टी पैलेस? अरे मैं पहले ही आ गया भैया जी। ओ ग्लिच था लगता है कोई। चलो गाइस अब टाइम है नए वाले मैप का। ओ मेरे को झूला चाहिए। ओए झूले रुक जा मैं आ रहा हूँ भाई, मेरे को ऊपर जा रहा है। ये झूला काम करता है? तो भाई यार आराम से जा रहा, पता चला आप ऊपर गए और लॉन्च हो गए भाई। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, ये लोग वार्निंग देते हैं, ऐसे थोड़ी झूले काम करते हैं। ऑलराइट गाइस चॉप भी आ गया है। चॉप को देखो प्रिजनर का आउटफिट भी दे दिया इन लोगों ने। तो भाई क्या बोलूं यार, जेल में घुसते के साथ कपड़े भी पहना दिए कैदी वाले। अरे तेरा पैर तो अभी भी मिसिंग है ब्रो, तू मरा नहीं क्या? तो भाई आप मर कैसे गए पिछले राउंड में यार, आपका सही है भाई, आप रीसेट होके आ गए यार। अरे कोई ना ब्रो, इस राउंड में तेरे को भी मौका मिलेगा, टेंशन ना ले। ऑलराइट सब कोई तो यार ऊपर चढ़ रहे, अपन भी ऊपर ही चढ़ जाते हैं। तो भाई याद रखना अगर एसिड रेन हो गया तो बैड बच जाएगी भाई, नीचे उतरने का कोई रास्ता भी नहीं। आप ऊपर आने के पहले 10 बार सोच लो फ्रॉस्ट भाई। अरे सोच लिया भाई, मर गए तो मर गए भाई, एक बार हार भी जाएंगे क्या फर्क पड़ता है। बट भाई देखो ओ वोल्केनो, अरे पता चल गया इस बार क्या होने वाला है ना चॉप। तो भाई सब कुछ पता चल गया भाई, इस बार इन लोग वोल्केनिक इरप्शन करवाएंगे भाई हमारे आइलैंड के ऊपर। अरे लेकिन इसमें तो कोई भी जगह सेफ नहीं है। ओ भाई वोल्केनो फट गया। ओ लुक एट दैट, कितना सारा आग निकल रहा है अंदर से। अच्छा तो ये जो ब्लॉक्स है गाइस इनको आपको अवॉइड करना है। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप लोगों ने इसके ऊपर पहले वीडियो देखी होगी तो यू विल हैव सम काइंड ऑफ आइडिया। एंड इसका मतलब यही है कि हम लोगों को भाई किसी भी बिल्डिंग में छुप जाओ फर्क नहीं पड़ता है, ये ब्लॉक्स जिस भी बिल्डिंग के ऊपर गिरेंगे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, अपने सामने आप लोग देख सकते हैं जितनी भी बिल्डिंग्स थी सारी तबाह हो चुकी है। एंड जस्ट बिकॉज हम लोग इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं गाइस अभी भी अपन लोग जिंदा है। भाई चॉप तू कहां खड़ा है भाई? तो भाई सोच लो एक भी ब्लॉक आ गया भाई हमारे टावर के ऊपर तो हमारे चित्रे उड़ जाएंगे फ्रॉस्ट भाई। अरे जानता हूं भाई लेकिन दिस इज द प्राइस वी हैव टू पे टू विन गाइस, ये एक हम लोग बाजी लगा के खेल रहे हैं। वैसे सारी बिल्डिंग्स तो डिस्ट्रॉय हो गई भाई, एक भी बिल्डिंग नहीं बची है गाइस, आप लोगों ने गौर किया? मतलब कि ये लेफ्ट में जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला झूला है और उसके बाद नहीं वो राइट में एक्चुअली सॉरी जो लेफ्ट में ये लाल कलर का घर था सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया भाई। यूनिकॉर्न वाली जो राइट थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई भाई, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा हम लोग की राइट कैसे नहीं डिस्ट्रॉय हुई। तो भाई बहुत बगल से गए भाई लेकिन अपने को नहीं टच कर पा रही है लोग, लगता आज किस्मत हमारे साथ है फ्रॉस्ट भाई। ओह यस माय फ्रेंड, आज किस्मत हमारे साथ है इंडीड। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक कर दो यार, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है। और सब्सक्राइब जरूर से कर देना हमारे चैनल के ऊपर, 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले। कब से यार हम लोग आस लगा के बैठे कभी कंप्लीट ही नहीं होते, मतलब यार इतना अच्छा किस्मत है भाई हमारा नेचुरल डिजास्टर रोब्लॉक्स में, तो थोड़ा किस्मत आप लोग भी बरसा दो है ना भाई। तो जल्दी सब्सक्राइब ठोको गाइस। एंड लुक एट दिस, अभी भी ये निकल ही रहा है, क्या खत्म होगा कि नहीं होगा भाई? ओ जीत गए, लेट्स गो। तो गाइस देखा एक और राउंड भाई अपने हाथ में है, देख रहे हो
अपनी सरकार भाई। बट भाई ये लगता है भाई अपने तो पैसे खाए लोगों ने भाई, इसीलिए अपने को बार बार जिता रहे। अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है, फिर से ये लोग वही दे रहे हैं क्या? नहीं, डोंट टेल मी कि भाई वही वाला मैप आने वाला है। चलो चलो जल्दी दिखाओ क्या है अगला मैप। आई वॉन्ट टू सी गाइज। ओके तो अब अपन लोग अब यहाँ पे विटनेस करेंगे अगला मैप, रेविंग रेसवे। अब ये बहुत बकवास मैप है यार, इसके ऊपर तो मजा भी नहीं आता। इसमें सारी गाड़ियां जो है ना गाइज, ये एक एक करके अटक जाती है। देखो इसके ऊपर बैठूंगा बिना तो ये अटक जाएगा। देखो अटका, देखा ओला दाना अटक जाएगा ये। ऊपर से इसमें बचने का भी जगह ज्यादा दिया हुआ नहीं है। लोगों ने बहुत चालाक है यार ये लोग। तो गाइज आई थिंक यार वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता भी नहीं अपन लोग इसको सर्वाइव कर भी पाएंगे। एंड वी हैव टू गो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे फ्रॉस्टी।